केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे कर्नाटक मैसूरू के नरसिम्हराजा क्षेत्र के अजीज सेट ब्लॉक के अध्यक्ष सैयद इकबाल से। केवी न्यूज ने आज एक नई कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसे चाय पे चर्चा कहा जाएगा। सर, चाय पे चर्चा के लिए आपका स्वागत है। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज क्या इस कार्यक्रम में चाय पे चर्चा आपकी सफलता और असफलता के राज जो है आज हम अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम के जरिए से बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक जिंदगी कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2001 में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन वी के प्रकाश के वो खड़े थे वहाँ से मेरी सियासत शुरू हुई। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में था। यूथ कांग्रेस में को कभी होना नहीं होना ऐसा जरूरत नहीं थी। पार्टी में अपलाते हैं गलत हो जाएंगे नहीं तो उनको बोलो, ऐसा सियासत में था। जब उन्होंने 2001 में हमारे वार्ड में जो वार्ड नंबर 42 को था हमारे वार्ड पकड़ को इलेक्शन जीते बाद उन्होंने वी के प्रकाश को किंगी घोड़ा के बेटे थे उनको बड़े एजिसेट साहब थे ना उन्होंने सीट दिए थे। जब वो सीट देने के बाद उन्होंने हमारे वार्ड में खड़े इलेक्शन में सब एक कम दोस्त था मिलकर हमें उनको जिताया वार्ड में हमारे जिताने के बाद वी के प्रकाश फर्स्ट राउंड में चुनाव मेयर होने के बाद हमारे वार्ड में अच्छे काम करने के वास्ते उनको आने नहीं होता था। जब मंजे इंचार्ज दिए ये करा वो करा बात तुम क्या करती करो जी उनको मंजे इंचार्ज दिया। जब मैं सुबह उठता उसको मोरे क्लीन कराना पानी का प्रॉब्लम हो तो पानी के लारियाँ लाना ऐसे सभी काम कर ले गया। बाप हमारे बोलने वाले से भी अच्छा काम कर रहा बोलो कहीं के क्या रहते मेरे पास आपको बोलते एक लेटर बना रहा मुझे आप बोलते हैं तुम्हारा ना करने एक लेटर मुझे दे उनको। बाप मुझे वार्ड प्रेसिडेंट बने एरिया के अंदर वार्ड प्रेसिडेंट बने। वार्ड प्रेसिडेंट बनाने के बाद जब अलास्ट रणवीर सेठ साहब मिनिस्टर थे जीत को उन्होंने भी सेकेंड बारा को जीत को मिनिस्टर हो गए थे। जब ऑफिस वार्ड के अंदर ऑफिस ओपन कराया हमें उन्होंने चाकू ओपन कराया ऑफिस ओपन करने के बाद मुझे वार्ड प्रेसिडेंट बना को काम करने के वास्ते थे। कोसा क्या काम रहा था भी अला तनवीर सेठ साहब के पास भी लेटा लेता था भाई प्रकाश शर्मा भी थे साथ में क्या काम रहा था करते थे। उसमें वार्ड के अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट होने के वास्ते हमारा मोहल्ले कितने अच्छा रिस्पॉन्स दिया क्या रहा तो मेरे पास आपको बोलते थे मुझे खुशी महसूस होती काम करने के वास्ते। तो इसी तरह आप जो है बढ़ते बढ़ते जो है राजनीति के अंदर कदम बढ़ाया। आप जनरल सेक्रेटरी बने पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाने के बाद फिर एक बार वाइस प्रेसिडेंट बने आज प्रेसिडेंट बना कही मैं भी हम आने के वास्ते बहुत तकलीफ रहा को। कितने वर्ष लग गए मैं आज बैक प्रेसिडेंट बनने के वास्ते कम से कम 20-25 साल हो गए। तीन बार मुझे कॉर्पोरेशन इलेक्शन की सीट दे रहा था नहीं दिए शायद मेरी नसीब में नहीं था रहेंगे उनको मैं चुप के रहेगा। अलास तनवीर सेठ साहब क्या भी करना सब उनका फॉलोअर्स है। आपने आपकी जो राजनीति की जो शुरुआत की वो बी के प्रकाश से शुरुआत हुई लेकिन आपको जो डेवलप किया वो नरसिम्हराजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ से डेवलप किया। तो आप इन दोनों में किसको गॉडफादर मानते हैं। गॉडफादर मानते हैं तो तनवीर सेठ इज गॉडफादर है। एक उन्होंने वार दूसरी बार दूसरी जगह से आपको जीत को वार छोड़ को दिया लेकिन उनका भी बहुत बड़ा एहसान है। आज कोई कॉर्पोरेटर ऐसा छोड़ को देता नहीं उनके वाड़ा के अंदर रोज काम कर रहे थे। लेकिन बी के प्रकाश जो थे वो केंगे गोड़ा के बेटे थे उनके बाबा एक्स एमएलए थे एक्स चेयरमैन थे बहुत से चीज़ों में उनके बाबा थे उनके बेटे ना। तो आप तनवीर सेठ को जो है अपना गॉडफादर मानते हैं। सियासत के अंदर तो प्रकाश राणा तो इलेक्शन जीते वहाँ को वार छोड़ को दिया काम करा उसके बाद पूरा फॉलोअर्स तनवीर सेठ गॉडफादर तनवीर सेठ है सियासत के अंदर। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। इंसान जो मनुष्य की जो है वो अपना जीवन ही उसका एक बहुत अहम चीज़ है। इसके अलावा उसे कोई चीज़ बढ़कर नहीं है अपने जीवन से। तो आपने तनवीर सेठ के घर पर चढ़कर जो है अपनी जान देने की जो ठान ली थी इसके बारे में आप क्या कहेंगे। सर, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ।
मैं उनके ऊपर जो चाप रखा था वो नहीं खरीदे को बोलेंगे उससे वो काम करना पड़ा। जरा उसके बारे में नाटक को बोले क्या क्या चीज बोले, वो जानने वाला मालिक है, अल्लाह से बढ़कर कौन भी नहीं है, वो हमें सही करे नाटक करे। तो आपने अपने दिल से जो है दिल से मान लिया था कि अगर ना निकलती तो आप जो है छलांग लगाने के लिए 100% है। लेकिन उसके बावजूद मुझे जो पुलिस जब हमारे दोस्त था और सब आकर पकड़े, जब मुझे फुल तकलीफ हुई थी, मुझे यहाँ से भी दर्द हुआ था, सनरेडी सब पकड़ लिया, वो तकलीफ उस नाश्ता भी नहीं किया था। इसके बाद मैं पजवाल में जाकर एडमिट हुआ, ग्लूकोज चढ़ाए और मीडिया वाले सब आए वहाँ आपको जरा इंडिशन सब देने, मुझे अल्लाह की तरफ से आराम हुआ। उनकी मोहब्बत थी वो करना, वो एक अच्छे लीडर को बोला को मैं वो सोच को उन्हें जरूरत है, नरसिंह राजा के अंदर उनकी जरूरत है बोला को हमें वो करना उनको करे होता अच्छा। ऐसा क्या भी उन्होंने नहीं खड़े तो प्रॉब्लम होती है, कौन संभाल सकता है, शायद बीजेपी आ जाएगी, दूसरे मुसलमान लीडर नहीं जीतेंगे, ये सोच को रोज खड़ा था काबिलियत थी, पांच बार जीत को रही। मैसूर के मुसलमान के पर उनके अब्बा के हिसाना ही वो सब भी अच्छा है, उनको रिस्पॉन्स कर बोलो खड़े बोलो उनकी मोहब्बत। क्या बी के प्रकाश जब कॉरपोरेटर बने थे उस वक्त क्या आपकी जो आपके संबंध जो है तनवीर सेठ के साथ में नहीं थे? हमारे मोहल्ले के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम से एक दारू का दुकान था, 40 लेवल का एक दारू का दुकान था, वो हमारे दोस्त शुक्र साहब माई सब मिलकर वो दुकान उठाना को डिसाइड करे। सामने सिल्वर कॉलोनी वाले भी थे, उन्होंने सब हमारा ये दुकान उठाना हमारा बहुत तकलीफ हो रही है, कभी कभी हिंदू मुसलमान का हलाका भी होता दुकान की वजह से। सीवी रोड में, सीवी रोड में नीचे कब्रस्तान को जाने के इधर शायद छठवां क्रॉस से, छठवां क्रॉस के मेन रोड पर दुकान था, वो दुकान हमें उठाना उनको डिसाइड करे। जब हमें बड़े साहब थे जी सेठ साहब, वो मेरे पास काफी रहेंगी शायद, उन्होंने लेटर लिखो दिए डीसी को, ये दारू का दुकान इस बार नहीं खुलना है बोला। वो लेटर हालांकि अजीत सेठ साहब लेटर दे डालकर छोड़ वाले थे ये काम होना बोला को, वो लेटर को माशाल्लाह डिसाइड होगा वो दुकान किसी कीमत में नहीं खुलना, वो दुकान बंद क्योंकि बोल को ऑलरेडी होगा। जब वो दुकान को लेटर कौन देता है उनको मालूम होगा, हम ना मंजे भी शुक्र साहब को ये सर्कल स्कूल कृष्णा पाते थे एन आर में, नो भी ब्लॉक पूछे हम ये दारू का दुकान बंद कराने का बंद कर ये खुला तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम थे मैंने ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने भी पुलिस भी हमारा वो टेम्पो अच्छा रिस्पॉन्स दी दुकान बाद, वो दुकान खोलने के बाद एक 8-15 दिन के बाद फिर आपको उनकी खोलना नहीं, हमें 40 दिन बैठे थे वहाँ पिंडा धरना वाच, उन्होंने पूरा जो हार्ड कॉपी थी बंद कर कोई वो पर्चे सब लगा कर हमें वहाँ बैठे थे। बैठने के बाद होगा ना पुलिस बुलिस जो सब होगा क्या भी कौन भी खोलते नहीं आराम से रजो तुम्हारा तुम्हारे घर में, फिर उसके बाद वो दुकान को उनकी ऐसा बात कर लेकर खोलने के वास्ते फिर जब अल्लाह तनवीर सेठ साहब आपको फिर हमें वहाँ पिंडाल को बोले मैं तनवीर सेठ साहब आपको जब अमोघ न्यूज फेमस अमोघ न्यूज में बैठो अल्लाह तनवीर सेठ साहब बैठो ये दुकान किसी को मतलब खोलना नहीं बोलता, जब एमएलए नहीं थे हम बड़े साहब एमएलए थे सर, जब उन्होंने बोल कर दुकान बंद करा। सर हमारे ही न्यूज चैनल के जरिए से पिछली बार जो है आपको मैसूर नगर निगम के इलेक्शन की जो है वो टिकट ना मिलने की जो है आपने जाहिर किया था, तो उस वक्त आपको कैसा लगा, क्या आपको ऐसा लगा कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है मुझे कॉरपोरेशन की टिकट नहीं दी गई, उसने आप उस वक्त जो है आपने अपनी नाराजगी जताई थी? फर्स्ट जब बीके प्रकाश का परेड खत्म हुआ जब कैंडिडेट मिस था सर, मैं उसके अवल जो सुबह कोर्ट को चेंबर पार्क कर रही हूँ जो मोरिया पार्क कर रही हूँ उस टाइम पर सुबह के 5 बजे उठकर ये जेसी पीले लगाकर क्या भी है आपका प्रॉब्लम मैं जाकर काम करता, किस कौन भी क्या भी तकलीफ है तो फौरन में जाकर तकलीफ उनके वास्ते होता नहीं होता बात की बात वो अटेंडेंस करता था मैं अच्छा एरिया के अंदर मुझे बेस्ट था। अगर मैं घर में सोता तो उस टाइम पर इलेक्शन जीता था वैसा था, नहीं दिया वो टिकट जब एक बार मेरी टिकट तो कैसा महसूस हुआ सर जब बी के प्रकाश खड़ने के बाद मेरा नाम आया हमारे मोहल्ले में मस्जिद कमेटी में सब बैठ कर डिसाइड करते सब दिया जीत दे तो अच्छा है बल काम करता बोल एक नाम था, जब भी नहीं दिए जब भी मेरे साथियाँ मेरे दोस्त था सभी बहुत नाराजगी करे तनवीर सेठ साहब के साथ भी हलाटा करें तुम्हें दिया साहब कम उम्र पर कारपोरेटर बनता हूँ नहीं दिए शायद नसीब में नहीं था। फिर उसके बाद भी आया मेरी वहाँ एसी होगी एससी होने के बाद भी मुझे टिकट नहीं मिली दो बार मेरी वहाँ एसी कैटेगरी चेंज होगी शायद एसी होगी या नहीं होता।
उसके बाद इस बार जो टिकट के वास्ते मेरा था सुबह के 8:30 बजे तक हमारे बीबी का स्लम था, हमने टिकट हो जाना उनको। उसके बाद वो आधे घंटे में बेंगलुरु में नाम चेंज होगा, बहुत दुख हुआ, इतना खिदमत करके इतना मेहनत करके नहीं मिल रहा ना उनको। खैर अल्लाह की मर्जी रहेगी, इसमें भी क्या किया चुपके रहेगा, क्या करूँ। अगले महीने नवंबर 6 तारीख को मैसूर नगर निगम के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनकी 5 साल की अवधि जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो क्या अब आने वाले इलेक्शंस में, कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में आपको जो है टिकट मिलने की कुछ उम्मीद है? तो अल्लाह ताला अगर मैं खिदमत करना हो उनको मेरी नसीब में लिखो रहा बाकायदा, मुझे अल्लाह से भी मिलते मेरे मोहल्ले के आवाम से भी मुझे उम्मीद है। अगर मेरी नसीब में खिदमत नहीं करना होगा बोल को भी, अगर पूरे मोहल्ले वाले भी मुझे एक साथ खड़को जिता देंगे तो ये खिदमत का मौका नहीं रहा तो मैं नहीं जीत सकता। अगर खिदमत का मौका है मेरी नसीब में को बोले तो बाकायदा मुझे खिदमत का मौका मिलता, दुआ मिलती है इंशाल्लाह, वो दुआ में मुझे कामयाबी मिलती है, वो भरोसा है। आगे अल्लाह की मर्जी से तो मैं कहीं बोल सकता नहीं, लेकिन मैं इतने साल जो कांग्रेस पार्टी को देखा हूँ, जितना मैं तनवीर सेठ साहब को फॉलो करी हूँ, काम की जगह वो चीज़ में आने वाला वहाँ तो बहुत दुख महसूस होता कि इतना कर को नहीं हुआ तो फोन भी रहते सामने वाले को तकलीफ पहुँचे, वो तकलीफ जिसे होती है उसे मालूम होता है। अगर आपको टिकट ना मिली तो क्या आप खिदमत करना छोड़ देंगे? देखो टिकट की उम्मीद पर खिदमत को और टिकट को अलादा है। अगर इंसान खिदमत करना को बोले तो उसे इलेक्शन करके जीतना होगा क्या भी नहीं है, उन्हें बाकायदा आवाम आदमी बन के भी खिदमत कर सकता, दुआ ले सकता उन्हें। मैं कभी दिन भी किसका भी बुरा सोचा नहीं, मैं ना बुरा सोचता हूँ ना मैं किसी के बुरे में जाता हूँ। हाँ अभी हमने गालियाँ देते गलियाँ दे बड़े हो जाते हैं, लेकिन पीछे से सो क्या करते भी गालियाँ देते सोच आवाम हो। आज हमारे आवाम में क्या है, अच्छा करते भी गालियाँ देते हैं, बुरा करते भी गालियाँ देते हैं। अजीज सेठ ब्लॉक के अध्यक्ष होने के नाते आप जो है समाज की सेवा किस तरीके की कर रहे हैं? देखो फर्स्ट जो बी के प्रकाश थे उस टाइम पर मेयर थे, ईदगाह की सर्कल के अंदर लाइट नहीं था, ये उदयगिरी की तिलक नगर में नहीं, हाँ तिलक नगर की ईदगाह में लाइट नहीं था। वो लाइट नहीं था ना जब ये उदयगिरी का रोड डबल रोड था, सिंगल रोड था, डबल रोड बनाते थे, यहाँ एक सर्कल में खंभा लाइट का खंभा था। जब कॉर्पोरेशन कमिश्नर इब्राहिम साहब थे, जब अयूब खान को बोल कर में भाई ये लाइट हम ना दे, ईदगाह के जमाने से सर्कल में नहीं है, 50 साल की हिस्ट्री में लाइट नहीं है, देव करने में इब्राहिम साहब को बोल कर ले लग जैसे दाल मई बोलते वो लाइट ले लग जाकर फर्स्ट ईदगाह के सर्कल को लाइट दिलाए। उसके बाद हमारे जो कब्रस्तान के रोड में सौ के लोड़ा मट्टी थी, वहाँ वो मट्टी जेल के लाइन में पूरी थी, वो मट्टी उठाने कराए, मट्टी उठाने करा कर कम से कम 300 रोड चिलर मट्टी हुई। 3 दिन तक हमें वहाँ खड़को काम करा कर वो मट्टी उठाया, वो मट्टी उठा टैंक की दूसरी दला था अंदर, वहाँ दला दला कब्रस्तान का जो दीवार थी फर्स्ट लेट कॉम्पाउंड जो छोटा था मरूम अलाज अजीत सेठ साहब वो दीवार डाल रहा वो लाल को वो दीवार के वास्ते लेटर दिए थे, वो भी लेटर हमें चले जाकर बी के प्रकाश को बोल को साक्षण करे थे। वो दीवार बनी हुई होने के बाद हमारे मैसूर के सरकारी साहब जो पहले थे उनके इंतखाब हुआ, उन्होंने आपको दुआ करे थे उस जगह में, उसमें नसीरुद्दीन बाबू भी थे, मैं भी था, प्रकाश राणा भी थे, हमारे साहब बड़े साहब नहीं है तबियत बराबर नहीं मैं करो, जब वो सब करके दीवार मिला। कब्रस्तान का जो अंदर का ये है अयूब खान के पीरियड में मेयर थे डिप्टी मेयर थे ना, जब सेपरेट करा कोई भाई सेपरेट करा को बोल को भाई खबर फार्म की जगह अलग हमारी जगह अलग करो, अंदर एक दीवार जलाने करा को वो डिवाइड करा भाई, वो फार्म की जगह छोड़ डाल को हमारा कब्रस्तान कितना था वो था वो दीवार जला को वो भी काम हमें बोल को करा भाई। बाद में हमारे सीवी रोड से ये जो 8 नंबर गेट है उसके बाजू एक जगह है, वो बाजू जगह में गेट आना को बोला को वहाँ स्कूल बनाना को बोला, मैं बोला नहीं होता स्कूल बनाने का, खड़ा स्कूल बनाना बोला नहीं होता है, ये हमने समाजा दिन ये घर वाले हैं हमने नमाज पढ़े को इतिहास है अदमिया को जाने तकलीफ होती है, वो गेट जो है वहाँ डलेंगे बोलो वहाँ एक गेट होकर है इब्राहिम साहब थे टेम्पो फोर डाल को हमें वो दीवार ने मट्टी डालने करा था वो भी काम होकर है। बाद मुझे आश्रय कमेटी मेंबर बने बाद तनवीर सेठ नगर को बोल को एरिया बनाया, 3 घर थे मेरे आज टेम्पो कोई नहीं था वहाँ, 3 घर में बोल को वहाँ मंजे उन्हें भेजा
तनवीर सेठ साहब भी जा वहाँ जा, कोई सब प्रॉब्लम से क्या हो देखो उनको, मैं जब किसका के घर बोल उनको खोल को टैंक के बाजू और आपको 5-6 साल खिदमत कर जाओ, वेट को मीडिया में बोलता अपने को आओ व्हाट्सएप बोल तुम्हारे तुम्हारे घर को तुम यहाँ को रहो यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, और अपार्टमेंट होने के बाद भी लोग नहीं आते थे, 30-30 घर आते सब, उनको सब बोलता मैं आओ आकर रहो यहाँ कहीं को तुम्हारे घर छोड़ गई तुम्हें आओ को बोलो जुलूम करता था। आज अल्लाह के फसल करम से वहाँ एक 3 करोड़ चिलर का तनवीर सेठ साहब करंट का भी काम करा को दिए, 25 लाख रुपये चिलर पानी को दिए फर्स्ट ही से, कमिश्नर को बोल को पानी के लाइन लेने लग रहा है और पानी आया, अब फिर अब रिसेंट परसों ज्यादा हो गया घर आप पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर परसों 18 लाख रुपये दिए वो भी करा को दिए, चामुंडी छतरा को जमता से वो फंड नहीं दे सकते, फिर भी मैं तुम्हारा नाम रख रही तो मैच करना उनको इनको फोर्स करा को वहाँ भी बहुत से मसाला काम आई, स्कूल शिक्षण करा को देखो 5 मिनट तक स्कूल भी चल रही है, अब वहाँ एक मस्जिद बनाना होगा डिसाइड कर गई, वो मस्जिद भी शिक्षण होकर लेना होगा पेंडिंग कर ले गई, वो मस्जिद का भी थोड़ा पैसा भी है वहाँ वो रखो ही, अब इंशाल्लाह मस्जिद का काम भी शुरू होगा। आपका दफ्तर तनवीर सेठ नगर के अंदर है जहाँ तक मुझे मालूम है, तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जो है सैयद इकबाल आश्रया के अलाटमेंट में उनका पूरा पूरा हाथ रहता है, वो अपने अपने लोगों को अलाटमेंट दिलवा देते हैं, दूसरे लोग जो उसके हकदार हैं उनको जो है उसका अलाटमेंट नहीं मिलता, कि ये कहाँ तक सच है सर? मैं आश्रया कमेटी निम्बर बने बाद मैं ना एक घर भी शासन करता हूँ ना मैं वो सभी जगह ले को शासन कर रहे, मेरे पीरियड में कोई जगह कोई घर शासन हो बने है, पहले जो फर्स्ट जो सब इलेक्शन जीते थे वो जगह हो गई थी घर अलाट हो गए थे, जब ज्यादा आदमिया घर अलाटमेंट को डाल को थे पैसे बंदे थे उस वक्त क्या करे रहे 250 घर इतने नहीं देने होता बोलो लैटरी सिस्टम डाल को वो घर अलाट कर पैसा, मेरे पीरियड में ना एक घर रोको है ना मेरे पीरियड में मैं किसी को जगह अलाट करा को देखो कुछ भी होगा नहीं, मैं खाली वो जो मुझे जिम्मेदारी दिया था अलास तनवीर सेठ साहब के फ्रेंड में लेको मैं वहाँ काम करा हूँ, ना मेरे पेट में एक साइड देखो ना मैं किसी को साक्षण करा को देखो, मैं खुद 10,000 फोन को वेटिंग लिस्ट में बैठे हूँ, मैं खुद दे दूँ 10,000 रुपये, मुझे भी घर नहीं था वही भाड़े के घर में था, मैं भी 10,000 रुपये बन को मैं भी जगह का अखबार, तो क्या ये आरोप जो लगा है वो बिल्कुल गलत है? बेशक गलत हो, कहाँ होना खड़ा को पूछे थे, अब सियासत वाला खसम गया तो गलत होता, मैं ऐसा कोई घर किसी को दोस्तों को साक्षण करा को देखो नहीं, मेरे पेट में कोई सा भी साक्षण ओपन है आप जाको कॉर्पोरेशन में इंक्वायरी कर ले सकते हैं, मेरे पेट में कुछ भी जगह साक्षण करके वही मैं कभी साइन करके हूँ बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह और क्या बोलती उसकी सजा का हजार होता हूँ। तो वहाँ पे जो एक आर्च लगाई हुई है तनवीर सेठ नगर, ये क्या जो आप अपनी मोहब्बत में जो है वहाँ के जो उस एरिया का नाम जो है तनवीर सेठ नगर रखा है? नहीं भाई ही क्या सोचा बोले तो एक एरिया बनाना है हमने लिखे बोल को उसका नाम था सर, एक राम बनेंगे अब वही सो एम एल ए इनसे काम भी ले सकते हैं, हमें एक डालेंगे तनवीर सेठ नगर को बनेंगे बोला 90,000 रुपये मई हाथ से डाल को 90,000 रुपये देखो आर्च बना सर, किसी के पास में कभी मंगाया भी नहीं वो टाइम पर कुछ कराया नहीं, मैं खुद मेरे खुद के पैसे डाल को 90,000 रुपये देखो बनाया सब। तो वहाँ पे क्या बस फैसिलिटी वगैरह? बस भी डला को था, बस के अंदर जो अपने जाते नहीं थे उन्हें 1-3 बार जाकर डीसी को बोलने में डीसी बोलिया कम से कम बस का कलेक्शन नहीं हुआ तो बनवाने में डीजल के पैसे आने जाने के होना को बोला अब तो फ्री है इंशाल्लाह बोल बोलो, लेकिन आदमी की टाइमिंग सेट नहीं हो रही जी जी, टाइमिंग सेट होगी तो बराबर बाखदा जा सकती, टाइमिंग सेट नहीं है बच्चे को उनकी 8 घंटे को जाने वाली होती उनकी ड्यूटी को 9 घंटे को जाने वाली होती, इसमें डिफरेंसेस हो रही हो, अगर करेक्ट टाइम पर मुझे मोहल्ले वाले बोलो तो टाइम को बस दिलाओगे तो इंशाल्लाह वो भी पब्लिक डिमांड है, पब्लिक डिमांड है तो मैं करा देता हूँ वो क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी ऑर्डर हो गए वहाँ को तनवीर सेठ साहब बैठे थे बस में उन्होंने फिर वहाँ बस दिला टाइम को अच्छा ग्रैंड फंक्शन करके बस ओपन करे वहाँ, लेकिन आवाम नहीं गई वहाँ की ऐसा हो जाएगा वो प्रॉब्लम से। सर मेरा एक सवाल है आपसे, अगर इस बार आपको कॉरपोरेशन की टिकट मिस हो गई तो क्या कहीं आपके दिलो दिमाग में ये ख्याल है कि मैं दूसरी पार्टी में जाऊं वहां से टिकट लाऊं और कॉरपोरेशन के लिए जो है मैं कंटेस्ट करूं? फर्स्ट बात क्या है बोले तो मैं ब्लैक प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी का एक रूल्स है जो ब्लैक प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टिकट उसे बाकायदा देना, क्योंकि एक पार्टी का एक रूल्स है यहाँ से लेकर हाई कमांड तक एक रूल्स है, उस वजह से
मुझे टिकट मिल चुके घूमी थे मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर कभी दिन जाता नहीं। अगर वैसा जाना होता तो कई बार मुझे GDS से अब्दुल हाफिज खुद बोला था टिकट तो मैं खड़ को जिता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मैं कांग्रेस में रहना चाहता हूँ। एक जगह जब रहती है तो उसकी इज्जत अच्छी है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ गए उसकी इज्जत नहीं रहती, मुझे वो जरूरत भी नहीं है। पार्टी के अंदर ये तो अच्छे है नहीं तो खराब को बोल को मैं नहीं सोच सकता। कुछ पार्टी से मुझे इज्जत भी मिल को है, कुछ मुझे इज्जत भी मिले पार्टी से, मैं कहीं को पार्टी को धोखा करूं। सर हाल ही में मीडिया में देखा गया कि आपके जो दोस्त भी हैं और अजीज सेट ब्लॉक के जो पूर्व अध्यक्ष भी थे शाहिद, जिनकी जो आज कल मुलाकात तनवीर सेठ के साथ ज़्यादा दिखने को मिल रही है, क्या उनका इरादा कुछ ऐसा है कि फिर से वापस कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? वो सभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तनवीर सेठ साहब एक MLA ही उन्होंने कौन बोले तो भी जाना ज़रूरी है। उन्होंने जो वहाँ गुरसेठ लारियां का है वो गुरसेठ के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पीर उदावल को प्रेसिडेंट है, उन सब गुलाब को उनको दावत नामा दिया है। आज वहाँ जो कुछ भी है उसकी बदौलत अल्लाह तनवीर सेठ साहब पीछे जगह वो खाली करना रेलवे वाले को बोल रहे थे पीछे जगह दिया तनवीर सेठ साहब, हर चीज़ वो लारे वाले के वास्ते हेल्प जो कर रही है अल्लाह तनवीर सेठ साहब, वो रोड को वो बहुत बड़े पैसे दिला कर रोड भी रेडी कर रहे हैं, उन्हें एक जिम्मेदार ही उनको बाखैदा हक बनता है, वो क्या भी डिसीजन ले सकती हैं कहाँ भी जा सकती हैं, उसे हमें रोक टोक नहीं सकते, उनकी मर्जी हो उनको सब होना पड़ता। BJP वाला बोले तो भी जाना, SDP वाले बोले तो भी जाना, गढ़ा वाले बोले तो भी जाना, पार्टी जब इलेक्शन करती है जब पार्टी जब हो जाती है जीत वाले बाद हर आदमी को लेकर चलाऊ का ऑफर्स बनता, उसे हमें क्या भी उसके इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनकी मर्जी हमें क्या भी कर सकते हैं, हमें क्या भी नहीं बोल सकते। सर अपने जन्मदिन से ज़्यादा आप जो है बढ़ चढ़ कर जो है आपके क्षेत्र के MLA तनवीर सेठ का जन्मदिन मनाते हैं, तनवीर सेठ का जन्मदिन बहुत ही करीब है, तो इस बार कुछ ऐसे प्लानिंग्स आपके हैं जो जन्मदिन के साथ साथ वो लोगों का भी भला हो? नहीं मैं उनके बर्थडे के टाइम पर उन्होंने फर्स्ट जो लॉकडाउन सब आया जब उन्होंने नहीं करना बोल को डिसाइड करे थे नहीं करना, उसके वास्ते मैं पानी के क्या ना ये सब भी वार्ड के अंदर देता था, इस बार अभी डिसाइड करके नहीं बैठ को हमारे एजिस्टेड ब्लैक से सोचती क्या करना है, आवाम का भी भला होना हमारी ब्लैक का भी भला होना मेरी वार का भी भला होना ऐसा कुछ करेंगे को सोच रही, और उसे कौन भी बोल नहीं सकते एक तो साल में एक बार उनका जन्मदिन आता जमाने से स्टार्टिंग से कर ले आई फर्स्ट क्या रहा था ईदगाह से करते थे वो टेम्पो से ईदगाह में करते उन्होंने जब आर्केस्ट्रा सब रखा था हमें CV रोड में अच्छा ग्रैंड करते थे आपको बैठते सब पूरी जगह फिनिश कर लेगा आप एक घंटा डेढ़ टाइम बैठ को सबसे मिलकर केक गिक काट लेकर ऐसा आते थे जाते थे उन्होंने, अब इस बार वो नको ऐसा सभी करो नको गाना बजाना सब नको उनको उनके दिल में आ गया वो उसके बाद हमें कैसा करना है बोला उन्होंने बोले रोज किसी तभी गरीबों को दियो बाकी को करते हैं ऐसा सभी को उससे सोचिए उसके बारे में क्या करना है, अभी 3 तारीख अभी 15-20 दिन नहीं उसके बारे में सोचते हैं। राजनीति के अलावा आपके जो संबंध हैं वो तनवीर सेठ के साथ में बहुत सारी बहुत क्लोज हैं आपके संबंध, तो उन पर जब हमला हुआ उस वक्त आप कैसा महसूस किए थे? सर नहीं उस टाइम पर शादी में मैं नहीं था, मैं घर में सोता था, मुझे मालूम मेरी हलाट आवाज से भी मुझे कौन की इन्विटेशन से फ़ोन करके बोला सर ऐसा तनवीर सेठ के साथ हलाट हो गया क्या बोले मालूम रात के 12:30 बजे मैं मोबाइल में देख लेकर बैठा था व्हाट्सअप ग्रुप चेक कर लेकर बैठा था जब मुझे फ़ोन आया जब मैं दूसरे को फ़ोन कराया सईद शाह की फ़ोन किया क्या अर्जेंट कोलम्बिया को दुख हुआ वो टेम्पो ये शायद भी क्या कि किधर के उनको बोले आंखें में पानी आया ऐसे अपने कैसा हुआ ना बोलो उसके बारे में बहुत दुख है हमने देखो उन अच्छा नहीं करे तो किसका बुरा तो घर को नहीं तनवीर सेठ साहब किसे तो भी आज तक उन्होंने ऐसा करी मुझे वैसा करी उन बुरा बोल को रहा वो हमें नहीं मानते उन्होंने सबके सब भाईचारा रखना चाहते उनके सोचने का अंदाजा बहुत अच्छा है कभी बेजार हुआ तो हम ना बच्चे बना लेती भाया बना लेती बना लगा हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं क्या भी तनवीर सेठ साहब किसे गिराना किसे उठाना वैसे से भी काम नहीं करते क्या उन्हें छोटा उन्हें बड़ा वैसा वो सब भी क्या भी उनमें वो सभी नहीं है सबको
सबको लेको चलना, सबके सब दिल की मजा ऐसा कर दी, लेकिन जिन्हें उनके खरीब रखा उनकी असलियत उनको मालूम होता सब सामने वाला क्या हो, तनवीर सेठ ये नहीं कर रही है, तनवीर ये सब सरासर गलत। तुम्हें जिसके साथ लक्को रहती उसके साथ लक्को रहने के बाद ही उसकी पहचान होती है सर। अरे हमने क्या क्या करना था, उन्हें किधर की करा, नहीं ये सब गलत, तुम्हें उनके साथ लक्को उनके साथ रहो अपना मालूम होता उन्होंने कैसे क्या करना। इस बार के असेंबली चुनाव में पूरे कर्नाटक के अंदर एक कांग्रेस की लहर सी छाई हुई थी और कांग्रेस ने भारी मतों से जो है विजय प्राप्त की, तो सरकार भी जो है वो कांग्रेस की ही बनी। क्या आने वाले मैसूर नगर निगम के चुनाव में नरसिंह राजा क्षेत्र में 22 से 23 जो वार्ड हैं तो वहाँ पे क्या कांग्रेस पूरे वार्ड में कब्जा करने की उम्मीद है कैसे? इंशाल्लाह जो खिदमत करने गई कांग्रेस पार्टी में उन कुछ वॉच वर्कर्स को उनको पहचान को तिकटा दे तो इंशाल्लाह 20-23 सीट आगे 100% हमारा NR में आती, लेकिन नहीं है कभी 20-1 तो गारंटी NR क्षेत्र में हमें उम्मीद है आते, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ जो मेहनत कर ले कर ही कौन कभी रहते हैं, आप जो तनवीर सेठ साहब के साथ लगो ही उनको बात करना उन्होंने सोच को उनको दिया तो क्योंकि पब्लिक भी उनके एरिया में उनके साथ सही हुआ बदल को उनको जिताने की कोशिश करती, आवाम जब बदलती नहीं आवाम में भी क्या होता है एक मोहब्बत पैदा होती है, उन्हें तनवीर सेठ के साथ फॉलो कर लगता है उसे टिकट दे इसे जिताना कांग्रेस पार्टी को जिताना उन्हें हमारे मोहल्ले में खिदमत कर लेगा ऐसे आदमी को देना आदमी के सुख दुख को आता ऐसे आदमी को दे तो बात खाता NR क्षेत्र के अंदर 21 सीटें हमारी उम्मीद है हमें जीती। अगर कौन भी खाना सब हमें पकाता अपने चाय बना कर रखोगी अभी चाय मंजे दे रही तुम्हें दूसरा को पिता को बोले तो सरासर गलत नहीं, हमें जब मेहनत करी मेहनत करा उसे रोज ही पानी उसका दरमा से मिल गया तो बात खाता सही उसे दरमा नहीं दिया तो सरासर गलत दिखता हूँ। तो आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आप यहाँ पे आए हम आपका धन्यवाद करते हुए आपको जो है आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देते हैं सर। थैंक यू सर।